22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली बिहार की तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण काम्या ने निजी बताया और साथ ही इस फैसले को बड़ा ही कठिन बताया। काम्या मिश्रा ने बताया कि आईपीएस की नौकरी छोड़ने का फैसला उन्हें ऐसे वक्त में लेना पड़ा जब पुलिस डिपार्टमेंट में उनका मन बहुत लग रहा था। काम्या का कहना है कि नौकरी छोड़ने के फैसले पर उन्हें दुख है। इतने बड़े पद पर पहुंचकर छोड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके परिवार का बहुत बड़ा व्यापार भी है। वो अपने परिवार में अकेली बेटी है, साथ ही साथ अपने काम में व्यस्त रहने के कारण परिवार को समय नहीं दे पा रही थी, इसलिए इतना कठिन निर्णय लेना पड़ा। काम्या ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी और 2019 बैच की आईपीएस अफसर बनी थी। पहली पोस्टिंग हिमाचल कैडर में मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को बिहार कैडर में ट्रांसफर करवा लिया। काम्या मिश्रा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काफी नाम कमाया। इनके काम को देखते हुए लोग इन्हें लेडी सिंगम कहने लगे। आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफा देने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2056 में रिटायर होने वाली पुलिस ऑफिसर ने इतनी जल्दी पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। पुलिस विभाग के अंदर आखिर क्या चल रहा है? बताया जा रहा है कि वो काफी दिनों से इस्तीफा देने की बात कह रही थी। हालांकि आईपीएस अधिकारी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा और परिवार को समय ना दे पाना नौकरी छोड़ने का कारण बताया। इन दिनों आईपीएस काम्या मिश्रा मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के मर्डर केस की जांच कर रही थी। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें एसआईटी का प्रमुख बनाया गया था। बता दें कि काम्या मिश्रा के पति अवधेश सरोज भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। अवधेश सरोज भी 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कैडर में ही तैनात हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। काम्या और अवधेश की शादी 2021 में हुई थी।